प्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। विरार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में कोरोना के 13 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिला व 7 पुरुष शामिल है। यह आगजनी एसी में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए विरार से एक खास खबर। मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की घटना सामने आई है। आईसीयू कक्ष में आगजनी के समय 17 कोरोना मरीज भर्ती थे, जिसमें 7 पुरुष व 5 महिला, ऐसे कुल 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोगों को तुरंत वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। यह आगजनी का कारण एसी में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आई होती ऐडमिट आईसीयू मध्ये, रिकवर होत आलेली, 96 सॅच्युरेशन झालेलं आहे। रात्री आता 10:30-11 मी येऊन गेली, मी प्रायव्हेट सिस्टर ठेवलेली, त्यामुळे मला लवकर कळालं। 3:15 काहीतरी त्यांच्या एसीला शॉर्ट सर्किट झालं आणि अख्खं जळालं, अख्खं टोटल मुलं, पूर्ण फायर एक्स्टिंग्विशर नव्हतं, फायर ब्रिगेड आला ना त्याच्यानंतर सगळं विझलं। डॉक्टर आय सी यू डॉक्टर असतात, पण ते तिथे मला काही दिसले नाही। सगळे पेशंट घुसमटून होरपळून गेले, त्यात माझी आई पण नेली, बरी होणारी बरी होत आलेली आई माझी नेली। किती जणांच्या दुर्घटना, 15-20 बेडेड आय सी यू होते आणि ते फुल होतं। प्रत्येक पेशंट 10-15 लिटर ऑक्सिजन होता, घालू पण शकत नव्हतं, त्यामुळे काय सांगू शकत नाही। माझ्या आईच्या बाजूला जो मुलगा होता तो 27 वर्षाचा, कोणते पेशंट एक्सपायर्ड झाले आहेत, सगळे मेले, एकही आय सी यू मधला पेशंट वाचलेला नाही, इन्क्लुडिंग माझी आई। आय सी यू फुल होतं, ते एक 15 बेडेड वगैरे असेल, 15-20 बेडेड मला पूर्ण मी मोजलं नव्हतं। मी आता दुपारी 2 तास आय सी यू मध्ये होते माझ्या आईसोबत, तिथे स्टाफ कमी आहे, मेडिकल फ्रॅटर्निटीवर प्रेशर जास्त आहे, म्हणून मी माझ्या आईसाठी 2 प्रायव्हेट नर्स ठेवलेल्या, आणि आता 2.5 वाजता सॅच्युरेशन घेतलेलं, माझ्या आईचं 94 सुधारत आलेलं होतं ते, आणि आता 15 मिनिटांनी तिने कॉल केला, 3 वाजता एक तासाने की असं असं झालं, म्हणून लवकर या तुम्ही। आम्ही धावत आलो तर इतका धूर आहे की काय दिसतच नाही। 3:30 मी मध्ये पोहोचलो, फायर ब्रिगेड जस्ट आलेले, हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा जी फायर एक्सटेन्शन काहीच नव्हतं, एक पण डॉक्टर तिथे हजर नव्हता, 2 नर्स होतं फायर हजर होत्या। जेव्हा आग विझली अर्धा तासाने, जेव्हा मी मध्ये गेलो तेव्हा मी सुद्धा माझ्या डोळ्यांनी 8-10 बॉड्या बघितल्या, पुन्हा जळलेल्या होत्या, काळा कुठे पडलेल्या होत्या बघा, आणि हॉस्पिटलमध्ये त्यावेळेला एक पण डॉक्टर हजर नव्हता। मी आलो तेव्हा फक्त 2 नर्स होत्या, 2 सिस्टर धावपळ करत होत्या, 2 वॉर्ड बॉय होते धावपळ करणारे, बाकी हॉस्पिटलचा स्टाफ एक पण नव्हता। आपको बता दें कि यह दुर्घटना सुबह 3 से 3:30 बजे के दरमियान घटी। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है। वहीं उन मरीजों के परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए अपने परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराया था, परंतु यहां तो कुछ और ही हो गया। वहीं सवाल यह भी उठता है कि क्या इस अस्पताल ने अपना फायर ऑडिट करवाया था या नहीं, और VVMC क्षेत्र अंतर्गत कितने और अस्पताल हैं जिन्होंने अपना फायर ऑडिट नहीं करवाया और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर सकते हैं। वहीं इस मामले में विधायक हितेंद्र ठाकुर ने भी मरने वालों के लिए शोक व्यक्त किया है। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। अरे भाई।